हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो TYBMS सेम फाइव, तो डेरिवेटिव एंड कमोडिटी मार्केट। ओके, तो तुमको इसमें क्या प्रैक्टिस करना है कि अच्छे से मार्क्स स्कोर हो सके। एक तो 15 मार्क का ऑब्जेक्टिव आने वाला है, ठीक है। मैंने आधा लेक्चर बना दिया और जिसका प्रॉब्लम भी सॉल्व करके अपलोड करने वाला, ठीक है। तो जो फर्स्ट मॉड्यूल है ना, उसको अच्छे से पूरा पढ़ो, क्योंकि इसके ऊपर है ना तुमको ना कुछ सम्स आएंगे। ओके, एक आएगा आर्बिट्रेज फ्री प्राइसिंग, प्रॉब्लम ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन गोल्ड, ये आता ही है फिक्स है। ओके, और एक प्रॉब्लम, एक तुमको सम आएगा, मालूम क्या डायग्राम आएगा, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, यही तुमको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। बाकी सब थ्योरी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, पूरा स्टॉक मार्केट के रिलेटेड डेरिवेटिव ऑप्शन ट्रेडिंग है। तो एक हेजिंग के ऊपर आंसर पढ़ना है, फॉरवर्ड फ्यूचर और ऑप्शन, ये तीनों का डिस्टिंग्विश पढ़ लो। टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव ट्रेड इन इंडिया आएगा, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एलिमेंट्स, ये तुम्हारा फर्स्ट मॉड्यूल हो गया, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना रहेगा दोनों, ठीक है, 15 मार्क का। और दूसरे मॉड्यूल में क्या, एक डायग्राम आएगा, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन कंफर्म आता है। फिर तुमको ना एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स आएंगे, मतलब आपको चार चार लाइन लिखना पड़ेगा। प्रीमियम क्या होता है, एम टू एम, मार्केट टू मार्केट, स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस, टिक साइड, लॉट साइड, इनिशियल मार्जिन, एक्सपायरी डेट, बेसिस, है ना, ये सब तुमको टर्मिनोलॉजीज पूछा रहेगा। फिर ऑप्शन प्राइम, ऑप्शन प्रीमियम प्राइस को क्या इफेक्ट करता है, कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, कमोडिटी मार्केट के खिलाड़ी कौन कौन है, पार्टिसिपेंट, ये सेकंड मॉड्यूल का हो जाएगा, ठीक है। अभी जो थर्ड मॉड्यूल है, तुमको फंक्शन ऑफ NSCCL पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट पढ़ना है डेरिवेटिव मार्केट में, हाउ टू मेजर VAR एक मेजरमेंट है, हार्ड वर्सेस सॉफ्ट साइड कमोडिटी फीचर्स में किधर भी आएगा, बायनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल क्या होता है, वेरियस ऑर्डर दैट कैन बी प्लेस इन डेरिवेटिव मार्केट, है ना, ये तुम्हारा हो गया थर्ड मॉड्यूल में। और कुछ शॉर्ट नोट्स है, ठीक है, और मैंने इसका लेक्चर भी अपलोड कर दिया और थोड़ा बहुत बाकी है, जितना हो सकता है उतना मैं ट्राई करूँगा, तो शॉर्ट नोट्स तुम्हारा हो जाएगा। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से पढ़ लो, बस इतना ही बोलने का था, ठीक है। और बाकी के भी जितने भी IMP क्वेश्चन है अलग अलग सब्जेक्ट्स के, अपलोड कर दिया, चेक कर लेना। चलो, थैंक यू वेरी मच।